चलो देख लीजिए, यूनिट 10th कम्युनिकेशन सिस्टम, 5 मार्क्स का चैप्टर है। और याद रखिए ये चैप्टर भी आप लोगों को यहाँ पर भी याद करना है, ये भी आप लोगों को पेपर के लिए मतलब याद नहीं करना है डेली बेसिस पर। दो चैप्टर है ये, एक है ईएम वेव्स, जब आप लोग उसका टेस्ट दोगे फिर उसको छोड़ दो एग्जाम तक, और एक है ये, इसको भी एक बार जब आप टेस्ट दोगे फिर एग्जाम तक इसको भी छोड़ दो, ये भी यहाँ पर ही सारा याद होगा। तो आप लोगों को इसको याद करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये जितना भी आज पढ़ा होगा ये आप लोगों को, हो सकता है आप लोगों को ये ऑलरेडी याद हो, ये चैप्टर तुम लोग इधर इधर करते हो, ये चैप्टर ऑलरेडी ये जो CBSE है उनमें डिलीट किया है, लेकिन आप लोगों को डिलीट नहीं है, आप लोगों को पढ़ना है बेस, बिल्कुल आसान। और आप लोगों को पता है इसमें 5 नंबर आने ही आने हैं, आप लोगों को इसमें गलती भी नहीं होगी। क्वेश्चन है, पहले मैं आप लोगों को बताता हूं इंफॉर्मेशन क्या है, फिर मैं इस क्वेश्चन पर आऊंगा। देख लीजिए, इंफॉर्मेशन अगर मुझे, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह अगर मुझे पहुंचानी, इसमें दो आदमियों की जरूरत पड़ती है, एक जो इंफॉर्मेशन देगा और एक जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा और उसको सुनेगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया जो कम्युनिकेशन एक्चुअल में द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग या पहला क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन द बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम में सबसे पहली चीज है कम्युनिकेशन क्या, पहली चीज क्या है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं सुनूंगा वापस आज आप लोगों को, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, क्या बता रहा हूं, द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। वो क्या सिंपल है, आप लोगों को बताना है अपने दोस्त को कि डेट शीट निकल ले, आप लोगों को उसको प्रोवाइड करनी है इंफॉर्मेशन, आप क्या बन गए सेंडर, जो वही इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा उसको क्या बोलेंगे, इस सेंड करने को और रिसीव करने को, इस एक्सचेंज को जो आप लोगों ने इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, समझ आया, व्हाट इज कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंडर एंड इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, या द पहले इस तरीके से द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ए सेंडर एंड ए रिसीवर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। दिस प्रोसेस ऑफ सेंडिंग या दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये जो कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन अलग है, कम्युनिकेशन सिस्टम अलग चीज है। कम्युनिकेशन सिस्टम में आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम तभी समझाऊंगा कि वो क्या है। सबसे पहले मुझे बता दीजिए व्हाट इज कम्युनिकेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ए सेंडर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। द सिस्टम विच इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब जो इंफॉर्मेशन जो मुझे ये यूज करना है, तुम लोगों को ये नहीं, तुम लोगों ने फोन उठाया और दूसरे ने फोन सुना, इतना नहीं है, इसके लिए मुझे डायग्राम चाहिए, इसके लिए मुझे चाहिए कि क्या लगता है, तुम लोगों ने फोन किया, तुम लोगों को लगता है कि बस ये आवाज, तो आखिर ये आवाज कहां से गई उसके पास,
वो तो मुझे सारा समझाना है। ये आवाज बेसिकली हम तो यहाँ पर बैठ के आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर बैठ के अगर यूएस से भी फोन मिलाओगे आप लोग तब भी जाएगा यहाँ से, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ये कैसे पहुंचती है ये आवाज? मैच आप लोग ऑस्ट्रेलिया में दुबई में मैच होता है उतना क्लैरिटी से वहां जो बैठे हुए लोग हैं वो नहीं देख पाते जितना आप। ये कम्युनिकेशन कैसे हो पाती है वो इस डायग्राम में आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले इधर देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन ए सेंटर एंड रिसीवर इज कॉल्ड शाबाश कम्युनिकेशन। द सिस्टम विच इज यूज फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। ए बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम मेनली कंसिस्ट्स ऑफ थ्री पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? फर्स्ट वन इज कॉल्ड ट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं पहले पार्ट को? क्या बोलते हैं? सेकेंड वन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। सेकेंड पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। एंड द थर्ड वन इज रिसीवर। शाबाश बेटा। ए बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट? कौन कौन सा? ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल और बोलना आएगा। हाउ मेनी पार्ट ए बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट? ए बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ कौन कौन सा? आप देखो ब्लॉक डायग्राम हो, तीन नंबर आएंगे आप उनको इस क्वेश्चन को करने में पेपर में जो खत्म होने जा रहा है। अब एक डब्बा आप लोगों को इस तरीके से स्क्वायर बॉक्स बनाना है, एक ऐसा या रेक्टेंगुलर शेप का, यहां पर एक और बॉक्स और यहां पर एक और बॉक्स। इन दो बॉक्सेस के अलावा भी दो बॉक्सेस बनेंगे, वो अलग से बनाऊंगा मैं, लेकिन बेसिकली इतना ही जरूरत है मुझे। ये बनाएंगे ब्लॉक डायग्राम, दो और चीजें लगेंगी, एक बॉक्स यहां पर बनाना पड़ेगा, एक बॉक्स यहां पर बनाना पड़ेगा, तो दोनों में बताऊंगा ये क्या है। एक्चुअली में हमें कम्युनिकेशन करनी है, कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन देता कौन है? सेंडर। ये बन गया सेंडर, ठीक है। सेंडर का काम क्या है? इंफॉर्मेशन को सेंड करना। शाबाश बेटा। इसको जब तक रिसीव नहीं करेंगे मतलब ही नहीं है, यहां पर लगेगा रिसीव, ठीक है। ये है रिसीवर, सेंडर और सेंडर और रिसीवर। अब देखो आपने मुझे फोन किया, मैं दूर बैठा, इनके बीच में भी चीजें, तब जाके वो इंफॉर्मेशन मेरी आप तक पहुंचेगी जब तक ये चीजें नहीं, ठीक है। सबसे पहला पार्ट है ट्रांसमीटर। कौन है वो मैं अभी समझाऊंगा। इस डिब्बे में आप लोगों को क्या बनाना है? ट्रांसमीटर। इसमें क्या लिखना है? कम्युनिकेशन चैनल। शाबाश। इसमें क्या लिखोगे? रिसीवर। इधर देखो, यहां से एरो आप लोगों को यहां रखना है, यहां से एरो रखना है, यहां यहां से एरो जाएगा इसमें और यहां से एरो जाएगा ऐसे। आप लोगों को आएगा बनाना? आप बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम आएगा बनाना? इधर देख लीजिए, इसको बोलेंगे ट्रांस, अभी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड सिग्नल। क्या बोलते हैं? ट्रांसमिटेड सिग्नल। और इसको बोलते हैं रिसीविंग सिग्नल या रिसीवर सिग्नल। आप देख लीजिए, मैं सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। ये बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम है। सबसे पहला क्या लगाना है? ट्रांसमीटर। फिर रिसीवर, और इससे पहले सेंडर, और इससे पहले आप देख लीजिए क्या होता है। जब आप मान लीजिए ये मोबाइल फोन है,
मैं आप पूरा समझाऊंगा। मोबाइल फोन से जो मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा, इसके आगे ट्रांसड्यूसर सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल सब समझाऊंगा। आपकी आवाज माइक्रोफोन से जाती है, माइक्रोफोन उसको कन्वर्ट करता सिग्नल से, किन में? सिग्नल, किन में? सिग्नल। वो मोबाइल फोन पर आप लोगों ने आवाज निकाली तो वो आवाज कन्वर्ट हो जाती है सिग्नल, सिग्नल्स में, किन में? वो मैं बताऊंगा कौन सी सिग्नल, सिग्नल क्या होती है सब बताऊंगा। पहले आप लोग समझो एक एक स्टेप से। ये जाती है ट्रांसमीटर में, ट्रांसमीटर होते हैं टावर, ये है टावर जो लगे बड़े बड़े टावर, ये किसमें सिग्नल जाएगी? ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का काम है सिग्नल को ट्रांसमिट करना, क्या करना है? ट्रांसमिट। मगर ट्रांसमिट तीन तरीकों से होती है, कितने तरीकों से? ये जो कम्युनिकेशन चैनल, ये हो गई कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल तीन मतलब फिजिकल पाथ तीन तरीकों से होती है, कितने तरीकों से? तीन। जो आपकी आवाज है ना, तीन तरीकों से ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जा सकती है, तीन पाथ से, तीन रस्तों से जा सकती है। एक रास्ता है इसको चलने के लिए, उसको बोलते हैं स्पेस, एयर में, या तो जाएगी किसमें? किसमें? एयर में, हो गया, स्पेस में जाएगी, स्पेस थ्रू जाएगी, या जाएगी ऑप्टिकल फाइबर, जिसको आप लोग फाइबर बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, किनके थ्रू जाएगी? किनके थ्रू जाएगी? या तो जाएगी स्पेस के थ्रू, या एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल। ये पता है कौन सी केबल होती है? जो केबल टीवी में लगती है ना वायर, वो वायर, इसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल, जरा मुझे बताओ कितने रस्तों से आपकी आवाज जा सकती है ट्रांसमीटर से रिसीवर, कितने चीज, कौन कौन सा? स्पेस, या तो हवा में जाएगी, या ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर जो बिछाए होते हैं उनके से, या कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में बहुत सारे केबल्स एक साथ चलते हैं, कोएक्सियल केबल। ये जो तीन चीजें हैं बेटा, ये बनाते हैं कम्युनिकेशन चैनल। क्या बनाते हैं? कम्युनिकेशन चैनल, इनका काम है कम्युनिकेशन चैनल। वो बाद में बताऊंगा भी, इसमें और भी एक चीज आती है, कम्युनिकेशन चैनल कहीं पर टूट गई, आप लोगों को अगर वाईफाई चलता है या नेट चलाते हो आप लोग, वो बोलते हैं यार फाइबर में कोई डिफेक्ट आ गया। फाइबर में डिफेक्ट का मतलब कम्युनिकेशन चैनल में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर टूट गया है या कुछ डैमेज हो गया है, इसलिए कम्युनिकेशन चैनल में प्रॉब्लम आ गई, सिग्नल ठीक तरीके से नहीं आ रही। इसके बाद होता है एक और टावर जिसको बोलते हैं रिसीवर। क्या बोलते हैं? रिसीवर। क्या बोलते हैं? रिसीवर से किसके पास जाएगी मैसेज, इंफॉर्मेशन? रिसीवर के पास, जो रिसीव करेगा उसको, ये रिसीवर नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे यूजर। क्या? यूजर। एक सेंडर है, एक होता है यूजर। क्या होता है? यूजर। यूजर क्या करता है? यूज करता है किसका? इंफॉर्मेशन का, सेंडर और यूजर, लेकिन इनके बीच में होता है रिसीवर। देखो अब आप लोग खुद बता दीजिए, ट्रांसमीटर का काम क्या? ट्रांसमिट करना सिग्नल्स को, ट्रांसमिट करना सिग्नल्स को, किसमें ट्रांसमिट कराएगा सिग्नल्स को? कम्युनिकेशन चैनल में। कम्युनिकेशन चैनल क्या देती है इस सिग्नल को? फिजिकल पाथ, चलने के लिए रास्ता देती है। और रिसीवर क्या करता है इन सिग्नल्स को? रिसीव। और यूजर क्या करता है? यूज करता है किसको? इंफॉर्मेशन। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। अब क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया, अब मैं आप लोगों के लिए रिपीट करूंगा, डायग्राम आप लोगों को बनानी पड़ेगी। और कहीं पर क्या दिखाया होता है, यहां पर एक कम्युनिकेशन चैनल में यहां पर दिखाया गया एरो ऐसे, इसको बोलते हैं नॉइज। नॉइज क्या है आप लोग देख लीजिए, कहीं पर केबल कटा है, कहीं पर केबल में थोड़ा सा फॉल्ट आया है, उसमें नॉइज आती है, एक और कोई आवाज सुनाई देती है,
आप लोग क्या करते हो, किसी को फोन किया, ये किसी और को जा रहा है, यहाँ एक के बदले दो दो आवाजें आ रही, तो उसको बोलते हैं अनवांटेड नॉइस। क्या बोलते हैं? अनवांटेड। वो किसमें मिक्स होती है? कभी कभी कम्युनिकेशन चैनल कहीं से डिफेक्ट होता है, दो कम्युनिकेशन चैनल जुड़ जाती है और दोनों मैसेज एक ही यूजर के पास चले जाते हैं। इसका मतलब अनवांटेड जो डिस्टर्बेंसेस है कभी कभी किसमें आ जाती है? कम्युनिकेशन चैनल। आप सुनो, सबसे पहले मुझे बता दीजिए कम्युनिकेशन होती क्या है। The process of the yeah the exchange of information between sender and user. Sender and user. उसको क्या बोलेंगे? Communication. शाबाश। The system which is used for this purpose is called the block diagram of communication. Basic communication system mainly consists of how many parts? कौन-कौन सा? जब डायग्राम बनाओगे कितने बॉक्सेस बनाओगे आप? पांच। कितने? पांच। तीन बॉक्सेस आप लोग डॉटेड बॉक्स में रखोगे, ये तीन, दो बाहर रखोगे। तीन कौन कौन सा बनाओगे? ट्रांसमीटर, उसके बाद एरो दिखाओगे किसकी तरफ? उसके बाद एरो दिखाओगे और एक एरो दोगे किसकी तरफ? ट्रांसमीटर की तरफ। एक एरो किसकी तरफ? यूजर। आप लोग मुझे बताओ, सेंडर का काम है किसको सेंड करना? इंफॉर्मेशन को। यूजर का काम है किसको रिसीव करना? इंफॉर्मेशन। मगर ट्रांसमीटर का काम है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना, कम्युनिकेशन चैनल का काम है इन सिग्नल्स को पास देना, और रिसीवर का काम है इन्हीं सिग्नल्स को रिसीव करना। यूजर का काम है इस इंफॉर्मेशन को यूज करना। इस पूरे एक्सचेंज को बोलते हैं कम्युनिकेशन, और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्या समझ आया कि नहीं? कर पाओगे कि नहीं? अभी भी नहीं बोलो। ये देखो, तीन नंबर कोई मुश्किल नहीं लेने। तुम लोगों को पहले लिखना है कम्युनिकेशन क्या है, फिर कितने पार्ट्स होते हैं बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम में, इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम, और आप लोगों को ट्रांसमिट में एक दो लाइनें लिखनी है, कम्युनिकेशन चैनल में दो लाइनें लिखनी है, रिसीवर में दो। खत्म। तीन नंबर का क्वेश्चन आएगा करना? शाबाश बेटा। इसके बाद इस क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट आर द टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन? क्या कम्युनिकेशन करने के लिए कितने मोड्स की जरूरत है? ये समझ आया? शाबाश बेटा। इसके आज ही शीट लेना और आज ही नजर देना, लिखने की भी जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, ये सिर्फ नजर देना। देखो, सेकंड क्वेश्चन इज मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पर इन पर जाएंगे। इसका इधर देखो, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, देयर आर टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। हाउ मेनी मोड्स? एक मोड, फर्स्ट मोड जो है इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट मोड। पॉइंट टू पॉइंट मोड, ठीक है? एक क्या होता है, और दूसरा होता है ब्रॉडकास्ट मोड। ब्रॉडकास्ट मोड जरा बता दीजिए। शाबाश बेटा। व्हाट आर द बेसिक मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन? पॉइंट टू पॉइंट मोड एंड ब्रॉडकास्ट मोड। देखो, तुम लोगों को कुछ समझ आएगा। पॉइंट टू पॉइंट मोड में आपने फोन किया इसको शाम को, यूजर सेंडर कितने हैं? एक। यूजर कितना है? एक। जिसमें सेंडर भी एक ही हो, यूजर भी एक ही हो, जिसमें सेंडर भी और यूजर भी एक ही हो। इधर देख लीजिए, इसका मतलब अगर मैं ट्रांसमीटर से सिग्नल जिसमें एक ट्रांसमीटर का यूज करूंगा और एक रिसीवर का यूज करूंगा, सिग्नल एक ट्रांसमीटर से दूसरे रिसीवर तक डायरेक्ट जाए,
ट्रांसमीटर से ए मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच देयर इज वन ट्रांसमीटर एंड ओनली वन रिसीवर ओनली वन सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वी कॉल्ड एज पॉइंट टू पॉइंट मोड या पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन. जैसे एक किसी ने आप में से किसी ने फोन किया, वो एक आदमी में एक ही इंसान के साथ एट ए टाइम अगर बात करोगे वो हो गया पॉइंट टू पॉइंट. इसमें एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर, इसका मतलब एक सेंडर और एक यूजर, सेंडर और एक यूजर. इसमें एक ही सेंडर भी है एक ही, ऐसी कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे पॉइंट टू पॉइंट. पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो गया आपकी जो बातचीत करोगे मोबाइल फोन, ठीक है. इसमें भी आ गया ऑप्शन अब ब्रॉडकास्ट मोड, वो छोड़ दीजिए. अब ब्रॉडकास्ट मोड का मतलब हो गया एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर बहुत सारे, मतलब टीवी टीवी. इधर देखिए ट्रांसमीटर तो दिल्ली से या कहीं और से मैच चल रहा है, दुबई में मैच चल रहा है, क्या एक ट्रांसमीटर में एक कंट्री में जा रहा है, ये बहुत सारे कंट्रीज में जा रहा है, बहुत सारे घरों में जा रहा है. इसका मतलब हो गया व्हेन देयर इज वन ट्रांसमीटर एंड देयर आर सो मेनी, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट. ब्रॉडकास्ट मोड आज आपके मोबाइल फोन में भी है, एक मैसेज बल्क में जाती है बहुत सारों को, उसको बोल देंगे नहीं पॉइंट पॉइंट मोड. अगर आपकी मैसेज एक ही पर्सन को जाए एट ए टाइम उसको हो गया पॉइंट टू पॉइंट मोड. अगर आपकी मैसेज ग्रुप में जाएगी वो पॉइंट टू पॉइंट मोड नहीं कहा जाएगा, उसको क्या बोल सकते हैं कितने मोड से कम्युनिकेशन. मगर कम्युनिकेशन तो हुई ना, आप लोगों को मुझे बता मुझे शीट शाम को भेजना है, ये कौन सा मोड हुआ ब्रॉडकास्ट मोड. क्यों हुआ ब्रॉडकास्ट मोड, क्योंकि इसमें एक सेंडर है लेकिन यूजर क्या है. इसका मतलब हो गया कम्युनिकेशन कितने तरीकों से हम कर पाते हैं, दो, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट मोड और एक होता है समझ आया. पॉइंट टू पॉइंट मोड में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर, उसमें ब्रॉडकास्ट एक ट्रांसमीटर और रिसीवर, उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट. समझ आया कि नहीं, वो समझ आया क्वेश्चन इतना है, ब्रॉडकास्ट मोड और पॉइंट टू पॉइंट समझ आया. शाबाश, अब पहुंच गए हम यहां पर. डिफाइन द फॉलोइंग में सबसे पहले ट्रांसड्यूसर सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, नॉइज, रिपीटर्स, एनकोडिंग एंड एटेन्यूएशन. ये सारे मैं पढ़ाऊंगा अभी याद होगा. सबसे पहला आएगा ट्रांसड्यूसर. जितना मैंने आज पढ़ाया कल सुनूंगा आप लोगों से, इसी तरीके से बताऊंगा पूछूंगा ये ट्रांसड्यूसर क्या होता है. बेसिक कम्युनिकेशन चैनल में कितनी चीजें होती है, ट्रांसमीटर का काम क्या है, रिसीवर का काम क्या है, कम्युनिकेशन क्या होती है, और इसी तरीके से पूछूंगा. आप जिस तरीके से भी जवाब देना चाहते हो दे सकते हो. मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने हैं, कौन कौन सा मोड कब क्या लगता है, ये इसी तरीके से सुनूंगा. तुम लोगों को भी इसी तरीके से जवाब देना. अब है ट्रांसड्यूसर. क्या है ट्रांसड्यूसर हो गया, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म. इसका मतलब क्या हुआ वो मैं बताऊंगा. जैसे माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन क्या करता है जरा बताओ, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. माइक्रोफोन इज ए ट्रांसड्यूसर. जरा बताओ व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, इट इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी इनटू या लाउड स्पीकर जिसको ईयरफोन भी बोलते हो,
लाउड स्पीकर शबाश इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड नहीं होता है, तार के जरिए आती है आवाज, वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, उस पर लगा होता है लाउड स्पीकर। क्या लगा होता है? लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर से हमें सुनाई देता है, मगर तारों के जरिए क्या चल के आती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो किसने कन्वर्ट की थी? माइक्रोफोन ने। माइक्रोफोन ने किस में कन्वर्ट की थी? साउंड को। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसने साउंड में फिर से वापस किया? लाउड स्पीकर को। लाउड स्पीकर या माइक्रोफोन क्या होते? व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू, फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी इनटू। शाबाश बेटा, लाउड स्पीकर कन्वर्ट्स बिल्कुल। दोनों क्या है? अब अगर पेपर में आया एक नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, जवाब क्या दो? इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू, फॉर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स आर माइक्रोफोन कन्वर्ट्स लाउड स्पीकर कन्वर्ट्स। क्या मुश्किल, शाबाश बेटा। इसके बाद होता है सिग्नल। देख लीजिए, when sound energy is converted into electrical energy, it is called signal. What is signal? The process of conversion of sound energy into by the transducer is called a, what is signal? The process of conversion of sound energy into is called a सिग्नल। किसको बोलते हैं? इनटू इलेक्ट्रिकल। अब मुझे आप लोग बताओ, जो माइक्रोफोन ने साउंड एनर्जी को किस में किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बन गई वहां पर, वो किस फॉर्म में तारों के जरिए चलेगी? तारों के जरिए जो आपकी आवाज अब चलती है, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बोलेंगे, उसको क्या नाम देते हैं? क्या बोलते हैं? तारों के जरिए क्या चलती है? आप सिग्नल। जो किसने किस में कन्वर्ट की थी? माइक्रोफोन ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की थी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चल रही है? इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म इज कॉल्ड सिग्नल। इज ऑफ टू टाइप्स। How many types? First one is called analog signal, or second one is called digital signal. Digital signal. Analog signal or digital signal. जब black and white TV हुआ करते थे, dish TV जब आए इनके इनसे पहले, वो दूरदर्शन जब चलता था, आप लोगों को ने तब मुझे नहीं लगता है जन्म लिया होगा, तब सिर्फ एक चैनल चलती थी, वो हो गया DD1। फिर आया DD2। दिन में नहीं चलता था टीवी, दिन में बंद होता था टीवी, सुबह और शाम को चलता प्रोग्राम्स आते थे टीवी पर, दिन में अब क्या कैसे बताऊंगा, ये चैनल जब कोई नहीं आएगी टीवी पर, उसको ऐसे ऐसे डार्ट्स जैसे निकलते थे, बस वैसा ही होता था दिन भर टीवी। अगर बच्चा कोई देखना भी चाहता था टीवी, तो होता ही नहीं था प्रोग्राम, बंद होता था, बंद। आज तो 24 आवर्स टीवी जिस वक्त भी डालोगे, चैनलें इतनी हैं, जो मर्जी है प्रोग्राम देख सकते हैं। मतलब पहले हुआ नहीं करता था ऐसा, वो था एनालॉग सिस्टम, सिग्नल का सिस्टम, एनालॉग सिग्नल का काम चल, एनालॉग सिग्नल पर काम चलता था। आज तो सारा डिजिटल। इधर देख लीजिए, एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल होती है जो टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होती है। कौन? ए सिग्नल हूज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू उसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल पर पहले काम करते थे,
और लेकिन अब डिजिटल सिग्नल जो है, डिजिटल सिग्नल में सिर्फ दो मोड्स होते हैं, मैंने वो परसों भी बताया, एक जीरो एक वन, एक जीरो एक वन, ऐसे लो हाई, ऑन ऑफ ऑफ ऑन, जीरो वन, ऐसी सिग्नल जिसमें सिर्फ दो मोड्स है जीरो और वन, ऐसी सिग्नल को बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। ऐसी सिग्नल जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता है, इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज, जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता है उसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल, जिसमें सिर्फ दो मोड्स होते हैं, या जीरो या लो या ऐसी कम्युनिकेशन, ऐसी सिग्नल को क्या बोलेंगे, डिजिटल सिग्नल। इसका मतलब जो हमारी आवाज है वो या तो इस फॉर्म में चल के जाएगी तारों के जरिए, या इस फॉर्म में जाएगी। अगर इस फॉर्म में चल के गई तो वो कौन सी सिग्नल है, बात सुनो, जब आप फोन करोगे ना किसी, अगर वो सिग्नल तारों में ऐसे चल के गई, ये वाली सिग्नल होगी, तो इसका मतलब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ विच सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। अगर हमारी आवाज को कन्वर्ट किया ट्रांसड्यूसर ने, लेकिन वो किस फॉर्म में होगी, स्क्वायर वेव इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्वायर वेव, तो ऐसे सिग्नल को बोलेंगे, इसको साइन वेव बोलते हैं, इसको स्क्वायर वेव बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल हमेशा जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता है, और डिजिटल का कंटिन्यूअसली चेंज, तो ऐसे सिग्नल अगर इस फॉर्म में होगी तो एनालॉग सिग्नल, अगर इस फॉर्म में होगी तो डिजिटल सिग्नल कहलाता है। लेकिन दोनों है, दोनों का काम है, जब साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या तो इस फॉर्म में चलेगी तार वायर में, या इस फॉर्म, अगर इस फॉर्म में तो कौन सी सिग्नल बनेगी, अगर इस फॉर्म में होगी तो, समझ आए, इनको बोलते हैं सिग्नल, क्या बोलते हैं, सिग्नल। के बाद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, और एक चीज और है, इसको बोलते हैं नॉइज, क्या बोलते हैं, नॉइज होता है अनवांटेड डिस्टर्बेंसेस मिक्सेस विद द इंफॉर्मेशन, अनवांटेड डिस्टर्बेंसेस मिक्सेस विद द, उसको बोलते हैं नॉइज। आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन सुननी है, उधर कुछ और सुनाई देता है, दैट इज कॉल्ड नॉइज। ये अनवांटेड डिस्टर्बेंसेस जो किसके साथ मिक्स होती है, आपकी इंफॉर्मेशन के साथ, उसको क्या बोले, यहां तक जरा आप लोग ध्यान से समझिए, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, इट इज ए डिवाइस विच इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसड्यूसर। फॉर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसड्यूसर, व्हाट इज माइक्रोफोन, इट इज ए ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट, व्हाट इज लाउड स्पीकर, ठीक है, शाबाश बेटा, सिग्नल, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म इज कॉल्ड सिग्नल। सिग्नल इज अ फोन, कौन सा, आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो सिग्नल को, व्हेन द इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, व्हेन द इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, इसको बोलेंगे सिग्नल। इंफॉर्मेशन को जब भी मैंने कन्वर्ट किया किस में, इसको क्या बोलेंगे, सिग्नल। कितने, कौन कौन सी, शाबाश, व्हाट इज नॉइज, अनवांटेड डिस्टरबेंस मिक्सेस विद, उसको क्या बोलेंगे, नॉइज। कहां पर एंटर करती है, कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल, शाबाश। इसके बाद होते हैं रिपीटर्स, क्या बोलते हैं, रिपीटर्स, तुम लोगों ने देखा होगा, रिपीटर्स को बोलते हैं, याद रखना मेरी बात, इनको बोलते हैं सिग्नल बूस्टर्स, क्या बोलते हैं, सिग्नल बूस्टर्स। जब तुम लोगों को थकान महसूस होती है, आप लोग ग्लूकॉन डी या हॉर्लिक्स या कुछ पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स जिनको बोलते हैं,
तो वो आपको बूस्ट करते हैं। इसी तरह सिग्नल को भी बूस्ट करना होता है। जब सिग्नल को मुझे दूर भेजना है, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, मैं एक चीज बताता हूं, केबल सिस्टम तो आप केबल की तारें तो देखी है ना, जो इलेक्ट्रिक पोल उस पर जाती रहती है, लेकिन आप लोग देख लेना जहां जहां से केबल जाती है 10-15 इलेक्ट्रिक पोल्स के बाद एक मीटर जैसा लगा होता है उन पर, जिस पर लाल बत्ती चलती रहती है, देखिए डब्बे जैसे नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं बूस्टर। क्या बोलते हैं? बूस्टर। आप देखना केबल वायर जहां जहां से जाते हैं ना, बहुत सारे खंभों पर वो बूस्टर्स लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, जब केबल वायर से आती है सिग्नल, सिग्नल चलते चलते थक जाती है, थकने का मतलब है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किस में भेज देते हैं? बूस्टर। क्या बूस्टर? वो बूस्टर क्या करता है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, उसको बोलते हैं सिग्नल बूस्टर। सिग्नल बूस्टर का मतलब एक्चुअल में एम्पलीफायर। क्या है? एम्पलीफिकेशन करता है, जो मैंने पढ़ाया था सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, उनको बोलते हैं सिग्नल बूस्टर्स। मगर यहां पर कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है वो मैं समझाऊंगा, इधर सुनो सारे। ये है ट्रांसमीटर, ये ट्रांसमीटर है, ठीक है बेटा। इस ट्रांसमीटर से मान लीजिए यहां से हमें उधमपुर तक हमें किसी के साथ बात करनी है, देखो यहां कश्मीर से, कश्मीर में हमें किसी के साथ बात करनी है, ये है रिसीवर वहां पर जो दूर, ठीक है। इनके और ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, ये डायरेक्टली नहीं देख पाते, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक डायरेक्टली नजर नहीं पड़ती। अगर डायरेक्टली नजर पड़ती ट्रांसमीटर से रिसीवर दिखाई देता, आप लोग इसलिए तो आप लोग ज्यादातर किस पर रखते हैं ये टावर, हाइट पर या छत पर रखते हैं टावर, ताकि ट्रांसमीटर से क्या दिखाई दे, रिसीवर। हाँ, तो इधर सुनो, अगर अब बहुत दूर है ट्रांसमीटर, यहां पर है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है ट्रांसमीटर और रिसीवर में कोई भी कनेक्शन डायरेक्टली नहीं, देखो क्या किया जाता। आप लोगों ने मोबाइल फोन पर जो आप लोगों ने भेज दिया अपने ट्रांसमीटर पर, जो आप लोगों को नजदीक है घर से, आपने आवाज आपके माइक्रोफोन ने किस में कन्वर्ट किया, सिग्नल। सिग्नल किसके पास गई, सिग्नल किसके पास गई, ट्रांसमीटर को किसके पास भेजना है इसके, लेकिन अगर ये डायरेक्टली भेज देगा ना इसको, उसको बोलते हैं जो स्ट्रेंथ है सिग्नल की वो कम हो जाएगी और सिग्नल की डेथ हो जाएगी, वो सिग्नल वहां तक नहीं पहुंच पाएगी अगर डायरेक्टली इसने स्पेस में भेज दी। सिग्नल डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती है किसके पास, देखो क्या किया जाता। आप लोग देखते भी हो पहाड़ियों पर, जब आप लोग देख लेना, आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ियों पर क्या लगे होते हैं, टावर्स, ऐसे टावर्स। इन टावर्स पर अगर नहीं देखा कभी देख लेना, इन टावर्स पर इधर से भी ड्रम जैसे लगे होते हैं, इधर से भी ड्रम जैसे लगे, बड़े बड़े ड्रम जैसे, आप देख लो ये ऐसे, इनको बोलते हैं, देखो क्या होता है, इसमें ट्रांसमीटर, इसमें रिसीवर भी लगा है, एम्पलीफायर भी लगा है, ट्रांसमीटर भी लगा है, रिसीवर भी लगा है, एम्पलीफायर भी लगा है, ट्रांसमीटर भी लगा है। देखो जब आप लोगों ने ट्रांसमीटर से सिग्नल को भेज दिया, जो दूर भेज दिया, ये जाती है जो नजदीक टावर होगा, नजदीक टावर पर क्या लगा होता है, रिसीवर, ये सिग्नल को रिसीव करता है, क्या करता है, लेकिन इसमें लगे होते हैं एम्पलीफायर भी, क्या लगा होता है, एम्पलीफायर इस सिग्नल की स्ट्रेंथ को और भेज देता है ट्रांसमीटर किसके पास, दूसरे रिसीवर के पास, दूसरा रिसीवर इसको अगेन क्या करता है, रिसीव, फिर एम्पलीफायर इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, फिर ट्रांसमीटर, ये
पांच भी हो सकते हैं, दस भी हो सकते हैं, ये बार बार, इनको बोलते हैं रिपीटर्स। क्या बोलते हैं? रिपीटर्स। क्या बोलते हैं इनको? रिपीटर्स। एक्चुअल में क्या है? सिग्नल बूस्टर्स। क्या है? सिग्नल को जो बूस्ट करते हैं, जो किन किन के बीच में हम रिपीट करवाते हैं, ट्रांसमीटर और इनको बोलते हैं बेटा रिपीटर्स। क्या बोलते हैं? रिपीटर्स। एक्चुअल में क्या है? सिग्नल बूस्टर्स। किस किस के बीच में होते हैं ये? इनको बोलते हैं रिपीटर्स। क्या बोलते हैं? रिपीटर्स। शाबाश। इसके बाद होते हैं एनकोडिंग। क्या बोलते हैं? एनकोडिंग। देखो, अगर आप सिग्नल को, जैसे आपकी सिग्नल एनकोडिंग क्या होती है, अगर आपकी सिग्नल वन फॉर्म ऑफ सिग्नल को कन्वर्ट करना है इनटू अनदर फॉर्म, जैसे we want to convert analog signal into digital signal, this process is called encoding. The process of conversion of one form of signal into it is called encoding. Encoding चार तरीकों से होती है। कितने तरीकों से? पहली है analog to analog. अगर analog से analog में ही convert करना है तो उसको वो भी encoding कहलाते हैं। अगर analog से digital जाना है वो भी एनकोडिंग ही है। और अगर हमें थर्ड है डिजिटल टू डिजिटल, और फोर्थ इज डिजिटल टू एनालॉग। जरा बता दीजिए एनकोडिंग है क्या, पहले मुझे बता। अगर हम वन फॉर्म ऑफ सिग्नल को कन्वर्ट करेंगे किस में, उसको क्या बोलेंगे? एनकोडिंग। कितने तरीकों से आप कर सकते हो? चार तरीकों से। कौन सी? एनालॉग टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू डिजिटल, और डिजिटल टू एनालॉग। इसको बोलते हैं एनकोडिंग। क्या बोलते हैं? एनकोडिंग। एक फॉर्म ऑफ सिग्नल को कन्वर्ट करना, जैसे एनालॉग से हम जाना चाहते हैं किस में, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसके बाद होता है एटेन्यूएशन। क्या होता है? मैंने आपको बताया हूं, जब एक सिग्नल को हम डायरेक्टली भेज दें, इसकी स्ट्रेंथ को, इसकी स्ट्रेंथ कम होती है। द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ बाय ए सिग्नल व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द लॉस ऑफ पावर। द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एटेन्यूएशन। द लॉस ऑफ strength by the signal when it is transmitted from transmitter to is called kya? Attenuation. Loss of strength, loss of power by the signal during transmission, during communication is called attenuation. Shabash beta, sare revise karo fatafat, fir aage badhenge. What is transducer?